आज के इस वीडियो में हम यह फूल बनाना सीखेंगे। यह बहुत ही आसान फूल है और दिखने में बहुत सुंदर दिखते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 4 प्लाई की वूल का इस्तेमाल किया है, साथ में ही सुई है 1.75 mm की और हमें ज़रूरत रहेगी वो है कैंची की। चलिए शुरुआत करते हैं फूल बनाना। इसके लिए हमें धागे को इस प्रकार पहले उंगलियों पर बांध लेना है, फिर यहाँ पर यह जो लूप तैयार हो जाएगी उसमें से हमें इस धागे को ऊपर खींचना है ताकि यहाँ पर शुरुआत की गांठ बन जाए। अब इस लूप में हमें सुई को डालना है। सुई को डालने के बाद हम धागे के इस छोर को खींचेंगे ताकि हमारा जो लूप है वह फिक्स हो जाए। लूप बनने के बाद अब हमें यहाँ पर शुरुआत में 8 चेन्स बनानी है, तो चलिए चेन्स बना लेते हैं। शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। आखिरी चेन बनने के बाद सुई के ऊपर एक लूप वैसे ही रहेगी और जो हमारी शुरुआत की पहली चेन है उसमें अब हम सुई को डालेंगे और यहाँ पर हमें एक स्लिपिंग स्टिच बनानी है। तो सिर्फ हमें क्या करना है, अपने धागे को दोनों चेन में से बाहर निकालना है। तो यहाँ पर हमारी यह रिंग तैयार हो जाएगी। अब हमें शुरुआत में ऊपर का जो राउंड बनाना है उसके लिए 4 चेन्स बनाने हैं, 1, 2, 3 और 4। 4 चेन बनने के बाद हमें अब यहाँ पर आगे की जो स्टिच है वह है ट्रिपल क्रोचेट। ट्रिपल क्रोचेट बनाने के लिए हमें धागे को सुई के ऊपर से 2 बार लपेट कर लेना है। फिर हम क्या करेंगे, सुई को रिंग में डालेंगे और धागे को ऊपर की तरफ खींच लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सुई के ऊपर 1, 2, 3, 4 लूप तैयार हो जाएंगी। फिर हम पहले 2 लूप में से धागे को निकालेंगे, बाद में फिर 2 लूप में से और आखिरकार 2 लूप में से। इस प्रकार हमारे यहाँ पर पहला ट्रिपल क्रोचेट तैयार हो जाएगा। अब हमें आगे ऐसे ही 2 ट्रिपल क्रोचेट बनाने हैं, तो चलिए बनाते हैं। ये दूसरा ट्रिपल क्रोचेट हो गया। अब तीसरा, धागे को 2 लूप में से निकालना है। 1, 2, 3 ट्रिपल क्रोचेट तैयार हो गए। अब हम वापस यहाँ पर 4 चेन्स बनाएंगे, 1, 2, 3 और 4। 4 चेन्स बन जाने के बाद हमें सुई को इस रिंग के अंदर डालना है और यहाँ पर हम एक स्लिपिंग स्टिच बनाएंगे। देखिए ये हो गई हमारी स्लिपिंग स्टिच। तो यहाँ पर हमारी पहली पंखुड़ी यानी कि पेटल तैयार हो गई है। अब यही यहाँ पर हम इस प्रकार की, देखिए इस फूल में 5 पेटल्स है, वैसे 5 पेटल्स बनाएंगे। फिर हमें यहाँ पर वापस 4 चेन्स बनाने हैं, 1, 2, 3, 4। अब हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोचेट, 1, 2, 3, एक हो गया। दूसरा बनाते हैं, 2-2 में से, 2-2 लूप में से हमें सुई को निकालना है। दूसरा बन गया। अब तीसरा, 1, 2 और 3। 3 ट्रिपल क्रोचेट होने के बाद वापस हमें 4 चेन्स बनानी है। 4 चेन्स बन गई। फिर रिंग के अंदर हम सुई को डालेंगे और यहाँ पर एक हम स्लिपिंग क्रोचेट, सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। दूसरी पेटल भी हमारी इस प्रकार तैयार हो जाएगी। अब हम तीसरी पेटल बनाएंगे। वापस हमें शुरुआत में 4 चेन्स बनाने हैं, 1, 2, 3, 4। सुई पर धागे को 2 बार लपेटेंगे, ट्रिपल क्रोचेट बनाने हैं, 2-2 लूप में से सुई को निकालेंगे। यहाँ पर हमारा ट्रिपल क्रोचेट बन गया, 1 वापस बनाएंगे, 2 और 3। 3 ट्रिपल क्रोचेट होने के बाद हम वापस 4 चेन्स डालेंगे, 3, 4। सुई को सर्कल के अंदर डाल दिया, यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट बना लिया। 3 पेटल्स हमारी यहाँ तैयार हो गई है। अब हम आखिरी पेटल बनाएंगे
उसके लिए पहले शुरुआत में चार चेन्स बनानी है, दो तीन चार। ट्रिपल क्रोचेट बनाने के लिए दो बार सुई के ऊपर से हमने धागा लिया, सर्कल में सुई को डाला, पहले दो लूप में से हम धागे को निकालेंगे, वापस दो लूप में से और आखिर में दो लूप में से। पहला ट्रिपल क्रोचेट तैयार हो गया, दूसरा ट्रिपल क्रोचेट, दो लूप में धागा निकालो, वापस दो लूप में से और फिर दो लूप में से, तीसरा अभी ट्रिपल क्रोचेट, अब यहाँ पर ट्रिपल क्रोचेट कंप्लीट हो गए तीन। आखिर में हम डालेंगे चार चेन्स, दो तीन और चार। सर्कल में हम यहाँ पर जैसे शुरुआत में किया था वैसे ही सुई को डालेंगे और यहाँ पर एक हम सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। यहाँ पर हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया, इसमें पांच पंखुड़ियाँ है, पांच पेटल्स है। अब यहाँ पर हम गांठ बनाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, धागे को यहाँ पर हम काटेंगे इस प्रकार, यह जो लूप है आखिरी उसमें से काटे हुए धागे को ऊपर खींचेंगे। तो देखिए यहाँ पर फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हमने जो गांठ लगाई है और यह धागा दिख रहा है उसको कैसे छिपाते हैं यह देखते हैं। तो हमारा फूल जो है उसको हम पलटी कर लेंगे पीछे की तरफ, हमें इस धागे को छिपाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो हमने ट्रिपल क्रोचेट बनाए हैं तो उसके गैप में देखिए पीछे की तरफ सुई को डालेंगे और धागे को उसमें से खींच कर अपनी तरफ ले लेंगे, तो यह धागा निकल आएगा इस प्रकार से। यह मैंने एक पेटल में से निकाला, अब हम दूसरे पेटल में से भी निकालेंगे। ऐसे धागे को निकालने से क्या होता है, छिपाने से क्या होता है कि जब भी हम यह फूल धोते हैं बार बार तब भी वह निकल कर नहीं आता, छूटता नहीं है, उसकी गांठ पक्की रहती है। अब ऐसे करने के बाद हम यहाँ पर धागे को काटेंगे, देखिए हमारा फूल अब तैयार हो गया है। तो हमारा फूल इस प्रकार दिखेगा।